हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज शोभा. आज मैं पूरे 3 महीनों बाद आपसे मिल रही हूँ. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. कुछ इम्पॉर्टेंट काम थे जिसे करना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. बट स्टिल अगेन मैं ट्राई करूँगी कि वीकली आपके साथ एक वीडियो ज़रूर शेयर करूँ. तो हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे आप एक इफेक्टिव ईमेल लिख सकते हो, क्या एलिमेंट्स जो है आपको यूज करने हैं एक इफेक्टिव ईमेल के लिए. मैंने आपको एग्जांपल भी शेयर किया था, बट आज एक हम डिफरेंट एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम ये देखेंगे आप अगर किसी रिक्रूटर से या एचआर से, हायरिंग मैनेजर से जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए डिस्कस कर रहे हो, अपनी सीवी शेयर कर रहे हो, अपने क्रेडेंशियल्स, अपने डेटा जो उनके साथ शेयर कर रहे हो रिगार्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, तो आप ईमेल कैसे लिख सकते हो एचआर रिक्रूटर को, हायरिंग मैनेजर को और एचआर को. तो हम ये एग्जाम्पल देखने के पहले आप मेरा ये वीडियो जरूर देखना. इस वीडियो में मैंने डिटेल्ड में बताया है, शेयर किया है कि आप कैसे एचआर रिक्रूटर से या हायरिंग मैनेजर से बात कर सकते हो अगर आप किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो. तो अगर आप कभी भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो और आपके पास उस एचआर पर्सन का या हायरिंग मैनेजर के कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, ईमेल आईडी है एंड आपको अपना रेज्यूम शेयर करना है, तो पहले आप ये जरूर ट्राई करें कि आप उस एचआर से या हायरिंग मैनेजर से जरूर बात करें, अपने डाउट्स क्लियर करें एंड ये चेक करें कि वो जॉब जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो आपके लिए है या नहीं है, आप उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हो या नहीं. अगर ये सारी चीजें एप्लीकेबल है, आप परफेक्ट कैंडिडेट हो, तो आप ये जरूर ईमेल लिखना और इस पैटर्न में लिखना. बट किसी वजह से आप उस रिक्रूटर को, एचआर को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके पास कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है उनसे डिस्कस करने के लिए, तो आप डायरेक्टली भी ईमेल लिख सकते हो. तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हमारे टॉप 5 एलिमेंट्स क्या है जो कि आपके ईमेल को और भी इफेक्टिव बनाते हैं. फर्स्ट सैल्यूटेशन, सेकेंड ओपनिंग सेंटेंस, थर्ड बॉडी ऑफ द ईमेल, फोर्थ क्लोजिंग सेंटेंस एंड द फिफ्थ इज सिग्नेचर, जहां पे आपको अपने सारे डिटेल्स मेंशन करने हैं, लाइक योर फुल नेम, अगर आप ऑलरेडी कहीं वर्क कर रहे हो तो आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर एज वेल, जिससे कि आपको इजिली कॉन्टेक्ट कर सके. तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड कैसे अपनी सीवी जो है शेयर कर सकते हो. एग्जाम्पल, डियर शोभा और डियर एचआर और जो भी कॉन्टेक्ट पर्सन है आपको उसका नाम लिखना है, जो कि है हमारा सैल्यूटेशन, फर्स्ट एलिमेंट. तो अगर आपने एचआर से बात किया है, उनसे ऑलरेडी कम्युनिकेट किया है अबाउट द जॉब रिक्वायरमेंट पोजीशन, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, एज डिस्कस्ड आई हैव अटैच्ड माय रेज्यूमे और सीवी फॉर द पोजिशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर. और अगर आपने बात नहीं की है तो आप सिंपली I have attached से स्टार्ट कर सकते हो, जो कि हमारा ओपनिंग सेंटेंस है. थर्ड बॉडी ऑफ द ईमेल, जहां पे आपको अपने प्रोफाइल के बारे में सारी चीजें जो है अपने बॉडी ऑफ द ईमेल में मेंशन करनी है, जैसे कि आफ्टर रीडिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन आई बिलीव आई पोसेस ऑल द नेसेसरी एबिलिटीज एंड क्रेडेंशियल्स, आई हैव 7 years ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एंड लॉट ऑफ ट्रांसफरेबल नॉलेज, इन माई रेज्यूम आई हैव लिस्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट माई करंट एंड पास्ट एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल बैकग्राउंड, अचीवमेंट्स एंड कैरेक्टर ट्रेट्स. ये है हमारा बॉडी ऑफ द ईमेल. नाउ क्लोजिंग सेंटेंस, यू कैन रीच मी एट ऑन सेल नंबर, आपके पास जो भी सेल नंबर है, इवन आप चाहो तो ऑल्टरनेट सेल नंबर भी यहाँ पे मैंशन कर सकते हो. तो आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना है. आई एम इंटरेस्टेड इन योर रिस्पॉन्स रिगार्डिंग हाउ टू प्रोसीड विथ माई एप्लीकेशन. तो क्लोजिंग सेंटेंस में आपने बता दिया है कि वो आपको कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड क्या आगे प्रोसेस है, कैसे आगे कंटिन्यू करना है, उसके लिए भी आपने रिक्वेस्ट किया है. एंड द लास्ट इज सिग्नेचर. सिग्नेचर में आप बेस्ट रिगार्ड्स डाल सकते हो या वार्म रिगार्ड्स भी लिख सकते हो, आपको अपना नाम मेंशन करना है एंड अगेन इफ यू वांट यू कैन प्रोवाइड द कॉन्टेक्ट नंबर. तो इस तरह से आपको ईमेल लिखना है एचआर को, रिक्रूटर को और हायरिंग मैनेजर को एंड अपने सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको अपनी सीवी में, सीवी हमेशा आपका अपडेटेड होना चाहिए, जो भी आपने जिस पे भी वर्क किया, जो भी प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया, जो भी स्किल्स है, वो सारी चीजें आपकी सीवी में अपडेटेड होनी चाहिए. इस तरह से आप ईमेल लिख सकते हो एंड अगर आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है तो आप
रिक्रूटर को और एचआर को इन्फॉर्म कर सकते हो कि आपने अपनी सीवी शेयर कर दी है, प्लीज लेट अस नो द फीडबैक, और नहीं किया है देन लेट इट बी। आप ऐसे ईमेल शेयर करने के बाद, सेंड करने के बाद आपको वेट करना है फॉर द रिप्लाई, बट मेक श्योर कि जो आप ईमेल लिख रहे हो बहुत ही अच्छे से होना चाहिए, इफेक्टिव ईमेल जरूर होना चाहिए। तो आपको ये 5 एलिमेंट्स जो है जरूर फॉलो करने हैं, और भी ऐसे बहुत सारे आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूंगी। आई विल ट्राई कि मैं कंटिन्यू करती रहूं आपके साथ, वीकली एक वीडियो शेयर करती रहूं। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करती हूं एंड मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।